हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स ऑफ 31 अक्टूबर 2020। 31 अक्टूबर करंट अफेयर्स हम आज के आलोचना करब। तार आगे जानिए दो बंधुरा, जरा एखो हमार चैनल के सब्सक्राइब करनी प्लीज बंधुरा चैनल सब्सक्राइब कर पास नोटिफिकेशन बेलटा ऑन कर देवें, तो जखनी हमें इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड करब सवार आगे नोटिफिकेशन पे जाश्य बंधुद मध्य शेयर कर ग्रुपे शेयर कर चैनल के सपोर्ट करबें। और बंधुरा अपनारा फेसबुक पेज और टेलिग्राम चैने अवश्य जुक्त हो जाबन। और जरा जरा वीडियो गुलो नियेछेन तादेरके असंख्य धन्यवाद। जरा एखो पीडीएफगुलो नेननि डब्ल्यूबीसीएस मेन्सर जो 2014 থেকে 2019 लास्ट सिक्स इयर शॉर्ट पेपर पे जाच्छेन, आर प्रिलिम्सर जोनो 2000 থেকে 2020 टोटल 21 बचर शॉर्ट पेपर पे जाच्छेन। एछाड़ा अपनार आईसीडीएस मेन्स पीएससी क्लार्कशिप और आछे अपनार सामने जो एग्जाम डब्ल्यूबीसीएस मेन्स मिसलेनियस मेन्स एनटीपीसी सब एग्जाम पाच्छेन। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री नीचे लिंक थेके पे जाबेन, जेनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, स्टैटिस्टिक्स जीके, वेस्ट बेंगल, जियोग्राफी। तो बंधुरा आसुन आज के करंट अफेयर्स आलोचना करी 31 अक्टोबर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच स्टेट चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट रेस 1,115 करोड़ टू 50.47 लाख फार्मर। एटा आंसर है आंध्र प्रदेश। पर क्वेश्चन आसुन क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच स्टेट चीफ मिनिस्टर हेज लॉन्च धरणी पोर्टल। धरणी पोर्टल कौन चीफ मिनिस्टर लॉन्च कर तेलंगाना। पर क्वेश्चन नंबर 3, हु हेज डेवलप मैसेजिंग एप्लीकेशन कॉल्ड सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट। आंसर है इंडियन आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, हुई स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च सुमंगल एंड स्टूडेंट स्कॉलरशिप वेब पोर्टल। स्टूडेंट सुमंगल एवं स्टूडेंट स्कॉलरशिप वेब पोर्टल लॉन्च करछे कौन स्टेट। आंसर है ओडिशा। एरपर आसुन देखे नी। अच्छा एखे हमें सुमंगल और स्टूडेंट स्कॉलरशिपटा कि निये एटा एकटू देखे नी। ओडिशा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हेज लॉन्च टू वेब पोर्टल नेम्ड ओडिशा स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल एंड सुमंगल पोर्टल, अर्थात दुटो आलदा आलदा। द फॉर्मर पोर्टल इज टू हेल्प एलिजिबल स्टूडेंट अफ द स्टेट टू अवेल स्कॉलरशिप बेनिफिट इन अ सीमलेस एंड ट्रांसपेरेंट मैनर, वेल द लेटर वन इज टू हेल्प पीपल अवेल इंटरकास्ट मैरेज इन्सेंटिव। इंटरकास्ट मैरेज इन्सेंटिव ओडिशा चालू हुए थे, हमें आगे दिन पड़े तार संगे जो पोर्टलटा लॉन्च करता हे सुमंगल पोर्टल जेटा इंटरकास्ट मैरेज मैरेज इन्सेंटिवर क्षेत्र। एरपर आसन देखे नी। पर क्वेश्चन क्वेश्चन नम्बर 5, चायना इज बिल्डिंग द वर्ल्ड हाइस्ट अल्टीट्यूड क्लाउड कम्पिटिंग डेटा सेंटर इन हुईच रिजियन। आंसर है तिब्बत। क्वेश्चन नम्बर 6, ए यंग एडवोकेट वेलफेयर फंड हेज बीन लॉन्च इन हुई स्टेट। यंग एडवोकेट वेलफेयर फंड कथाय लॉन्च हो तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नम्बर 7, इंडिया प्रोक्योर्ड 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम फ्रॉम व्हिच नेशन आर्म फोर्स। आंसर है यूनाइटेड स्टेट। पर क्वेश्चन क्वेश्चन नम्बर 8, व्हिच सैटेलाइट विल बी लॉन्च्ड बाय इसरो ऑन नवेम्बर। कौन सैटेलाइट लॉन्च कर इसरो नवेम्बर। आंसर है नवेम्बर 7 अर्थात 7 तारीखे। आंसर है EOS-1 अर्थात EOS-1 बोले हमरा जानते पारबो। एटा कि ना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो विल बी लॉन्चिंग द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। EOS-1 इज प्राइमरीली सैटेलाइट एंड प्राइमरी सैटेलाइट एंड 9 कस्टमर सैटेलाइट अब्रॉड PSLV-C49 ऑन 7th November 2020। तो जानलम जो PSLV-C49 अंडारे जो EOS-1 आता PSLV-C49 अंडारे। एरपर आसन देखे नी। पर क्वेश्चन क्वेश्चन नम्बर 9, व्हाट इज द न्यू डेडलाइन फॉर मेकिंग पेमेंट अंडर द डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट सेटलमेंट स्कीम। विवाद से विश्वास जो डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट सेटलमेंट स्कीम से लॉन्च करा हुआ है कब 31 मार्च 2021। एट एक पढ़े नब, द गवर्नमेंट हेज फार्दार एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर मेकिंग पेमेंट अंडर द डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट सेटलमेंट स्कीम। अर्थात डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट सेटलमेंट स्कीम जेटा छिलो नामटा कि विवाद से विश्वास बाय 3 मंथ्स टिल 31 मार्च 2021। अर्थात 3 मास बाड़िए देवा हुआ है जर डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट थे तर अर्डर टू प्रोवाइड फार्दार रिलीफ अफ द टैक्स पे। अर्थात 3 मासे छाड़ देवा हो टैक्स पे करार जो। एरपर आसन देखे नी। पर क्वेश्चन क्वेश्चन नम्बर 10, इंडिया हेज डिसाइडेड टू एक्सटेंडेड हाउ मच लाइन अफ क्रेडिट टू सेंट्रल एशिया अफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। आंसर है 1 बिलियन USD। पर क्वेश्चन देख क्वेश्चन नम्बर 11, हू लॉन्च वर्चुअल फेस्टिवल अफ
परम्परा सीरीज 2020 परम्परा सीरीज लॉन्च करे छे। वर्चुअल फेस्टिवल के लॉन्च करे छे, आंसर होबे वेंकैया नायडू। फेस्टिवलटा निये आमरा एकटु पढ़े नि। वर्चुअल फेस्टिवल अफ परम्परा सीरीज 2020 नैशनल फेस्टिवल अफ म्यूजिक एंड डैंस ऑर्गेनाइज बाय नाट्य तरंगिनी इन पार्टनरशिप विद द यूनाइटेड नेशन। नाट्य तरंगिनी हैज बीन ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजिंग दिस फॉर द फर्स्ट 23 ईयर। अर्थात नाट्य तरंगिनी जेटा ऑर्गेनाइजेशन सेटा 23 बचर थेके चले आसछे। एरपर आसुन देखे नी पर क्वेश्चन, क्वेश्चन नम्बर 12, हू एड्रेस सिक्स्थ पार्लामेंटारी स्पीकर समिट अफ G20 कंट्री। आंसर होबे ओम बिरला। पर क्वेश्चन, क्वेश्चन नम्बर 13, हू बैग्ड डॉक्टर तुलसीदास कफ अवार्ड 2020। आंसर होबे डॉक्टर सतीश मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नम्बर 14, हुईच ऑर्गेनाइजेशन हैज ओन UN अवार्ड फॉर द एफोर्ट टू फाइट क्लाइमेट चेंज एमिड COVID-19। आंसर होबे GHA। GHA फुल फॉर्मटा के ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन। पर क्वेश्चन, क्वेश्चन नम्बर 15, हु हैज बीन नेम्ड एज ब्रांड एम्बासडर अफ डियर ट्रस्ट। आंसर होबे रोहित शर्मा। तो बंधुरा अलआउट आमरा 15 क्वेश्चन आलोचना कर लम 31 अक्टोबर। तो बंधुरा आजकल मत एखे पर भिडियोते देखा हे पर भिडियोते डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश नहीं आलोचना करब और ग्रामार नहीं आलोचना करब। कारो को क्वेश्चन थकले को कमेंट थकले को एडवाइस थकले अवश्य कमेंटे जाना भूलें ना, अपना मतमत ग्रहणजोग्य। तो चलो बंधुरा पर भिडियोते देखा हे। धन्यवाद। अवश्य अपनारा चैनल सबसक्राइब कर शेयर कर एक लाइक दिए चैनल के सपोर्ट करबें। धन्यवाद।